शुभम जैन, मैं आपका स्वागत करता हूँ आलोकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लासेस में हमने कॉस्टिंग का मीनिंग समझा, कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटेंसी का, कॉस्ट अकाउंटिंग का, और फिर उसमें कॉस्ट के एलिमेंट्स हमने देखे, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद हमने कॉस्टिंग के मेथड्स देखे। तो कॉस्टिंग के मेथड्स में हमने जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हमने पढ़ा, ठीक है, वो रिवाइज भी मैंने कराया था आपको। उसके बाद हम कॉस्टिंग में आगे आज की क्लास में जो हमारा लेक्चर है उसमें कंटिन्यू करते हैं टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग, जो ये टेक्निक्स है कॉस्टिंग की। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग भी हमारे एक टॉपिक है हमारे जो सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर का है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या चीज़ का पता करते हैं, एसर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, एसर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ हम ओनली वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट में क्या हम कंसीडर करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट में हम ओनली वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे हम जो लगा रहे हैं, प्लस इसमें डायरेक्ट कॉस्टिंग भी इसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को। तो उसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस में हम फैक्ट्री ओवरहेड में जो ट्रेसेबल फिक्स्ड एक्सपेंसेस है जिनको हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को, तो वो भी इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में हम उस जो फिक्स्ड पार्ट है जो हमारा ट्रेसेबल एक्सपेंसेस का है उसको भी हम कवर करते हैं हमारे, उसको ये वेरिएबल पार्ट में हम कवर करते हैं। कैसे, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस हम जो वेरिएबल है जो फिक्स्ड नहीं है, जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करते हैं, ठीक है, और जो फिक्स्ड पार्ट है उसमें ऐसी कॉस्ट जिसको हम प्रोडक्ट से डायरेक्टली ट्रेसेबल कर सकते हैं उस पार्ट को भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग में, वेरिएबल कॉस्ट में ही इंक्लूड लेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में उस पार्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट में लेते हैं, यहाँ डायरेक्ट कॉस्ट में उसको लिया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में एसर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट और कौन सी लेंगे, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, और उसको कैसे चार्ज कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट कहाँ चार्ज होती है हमारी, प्रोडक्शन, जो भी हमारा प्रोसेस है प्रोडक्शन है उसको डायरेक्टली हम चार्ज करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। प्रॉफिट से हम चार्ज नहीं करते हैं, डायरेक्ट कहाँ से चार्ज करेंगे, उसको प्रोडक्ट और उसको उस जो प्रोसेस है हमारी कॉस्टिंग में उसको उससे चार्ज करते हैं। इसमें हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हमारा प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट कर रहा है, जो इफ़ेक्ट है वो प्रॉफिट में मार्जिनल कॉस्टिंग में हम देखेंगे कि प्रॉफिट में क्या इफ़ेक्ट करता है जब भी हम हमारा प्रोडक्शन को क्या करेंगे,
चेंज करते हैं, जब भी हमारे वॉल्यूम में चेंज आएगा तो उससे हमारे प्रॉफिट में क्या जो भी हमारी वॉल्यूम है, हम जो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोडक्शन में वॉल्यूम में चेंज आने पर उसको इफ़ेक्ट ऑन प्रॉफिट, हमारे प्रॉफिट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये हम किस में पढ़ते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग के बाद हम टेक्निक्स हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये जो जो सिलेबस में अपन चैप्टर है और जो कॉस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक्स है उनके आपको मैं ब्रीफ दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, वो उस टॉपिक के बारे में जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, जो भी हमारा बिजनेस की पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा पास्ट बिहेवियर है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो उससे हम हमारे जो प्रोडक्शन है उसमें स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है। ये पहले से प्री डिटर्मिंड होते हैं, हम उनको पहले से पता लगाते हैं उसमें कि हमारी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है फैक्ट्री में, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसमें स्टैंडर्ड क्या है, मतलब कि उस प्रोडक्ट को हमको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कितने आर्स या कितना लेबर लगाना पड़ेगा, सब उसके प्रोडक्शन में हमको कितने घंटे देने होंगे, कितने डेज देने होंगे, जो वो टाइम है उसको सेट किया जाता है, जो हमारी कॉस्ट है उसको सेट किया जाता है कि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हम लेते हैं उसको कितनी, इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट लगेगी, कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितने एक्सपेंसेस लगेंगे। तो वो जो स्टैंडर्ड को हम सेट करते हैं वो सब कहाँ पर करते हैं, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। ये जो हमारा चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसमें हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टाइम लगने वाला है, जो लेबर लगने वाली है, जो मटेरियल लगने वाला है, जो भी कॉस्ट है, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड्स को हम सेट करेंगे। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद एक्चुअल कंडीशन में जब हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, एक्चुअली जब हमने वो प्रोडक्ट को यूनिट जो बनाई है उसमें एक्चुअल में कितना टाइम लगा, स्टैंडर्ड सबसे पहले हमने सेट किए कि उस प्रोडक्ट को बनाने में स्टैंडर्ड आर्ट्स कितना लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम उसको एक्चुअल में जब प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी जो कैपेसिटी है फैक्ट्री की, तो उस एक्चुअल में कितना टाइम लग रहा है, वैसे ही हम टाइम को लेके जैसे हमने पता किया, फिर हम कॉस्ट को लेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में हमारी मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस कितनी लग रही है, और फिर एक्चुअल में हमारा कितना मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस लगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ऐसे एक्चुअल कॉस्ट हम जो हमारी आई उसको फिर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं और जो एक्चुअल में हमारा प्रोडक्शन हुआ है, एक्चुअल में जो उस प्रोडक्शन को करने के लिए, जो यूनिट को बनाने के लिए हमारे टाइम लगा है, दोनों का कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड आर्स वर्सेस एक्चुअल आर्स। तो ये जो कंपैरिजन है उसके बाद हम उनमें जो वेरिएंसेस आया है, जो भी डिफरेंसेस आए हैं स्टैंडर्ड आर्स और एक्चुअल आर्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट में कंपैरिजन करने से, उन वेरिएंसेस का हम रूट कॉज, वो वेरिएंसेस कहाँ से रिलेटेड है, ठीक है, उनका हम पता लगाएंगे कि वो वेरिएंसेस आने का क्या कारण है, उनको पता लगा के उससे फिर हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम उस जो हमारा अंतर आया है उसको हम
कम कर सके, उस जो कॉस्ट हमारा है उसको हम कंट्रोल कर सके, रिड्यूस कर सके। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम सबसे पहले क्या लगाते, क्या 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 चीज़ लेंगे, इसमें हमको क्या करना होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, जो उसको प्री डिटरमिंड कॉस्ट होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट प्री डिटरमिंड कॉस्ट होती है। जब हम हमारी कॉस्ट का हमने पता लगा लिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट का हमने पता लगा लिया कि उसको पहले से डिटरमाइन कर लिया कि हमारी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कंपैरिजन विद एक्चुअल कॉस्ट। हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम प्री डिटरमाइन कर लिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट कि हमको उस प्रोडक्ट बनाने में इतने तो एक्चुअल आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, और उस एक्चुअल आवर की पर आवर की रेट हमारी इतनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। और वैसे जो हमने एक्चुअल में एक्सपेंड किया है उस प्रोडक्ट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, उस एक्चुअल कॉस्ट जो हमारी लगी है उसको हम किससे कंपैरिजन करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट को किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट से। फिर उसके बाद जो हमारे वेरिएंसेस आए हैं, कंपैरिजन करने के बाद जो भी वेरिएंसेस आए, कंपैरिजन के बाद जो भी वेरिएंसेस आए उनका हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस। नेक्स्ट, सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करी, फिर उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर किया, फिर जो दोनों में अंतर आए हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में, जो वो वेरिएंसेस है उनका एनालिसिस हम करेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट तो हमारे हिसाब से लगनी चाहिए थी 100 रुपये, और एक्चुअल कॉस्ट उस प्रोडक्ट को बनाने में लगी लेट्स से सपोज 110 रुपये, तो वो जो 10 रुपये ज़्यादा लगे, जो वो 10 रुपये का जो वेरिएंसेस है वो उसका हमको एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो जो वेरिएंसेस एडवर्स वेरिएंस आया है उस, तो उस एडवर्स वेरिएंस जो हमारी कॉस्ट जो हमने डिसाइड करी थी उससे ज़्यादा जो कॉस्ट आ रही है उसका क्या रीज़न है, और फिर जो एनालिसिस हमने किया वेरिएंसेस का कि वो फेवरेबल है हमारे लिए, कि जो कॉस्ट हमने डिसाइड करी वो कॉस्ट उससे कम है या वो अनफेवरेबल है, ठीक है, उसका एनालिसिस करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये कह सकते हैं, ये एक टूल है, टूल किसके लिए, टूल फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट, ये कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल करने का टूल है, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। सबसे पहले जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो स्टैंडर्ड सेट करता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में ये हमारी एक्चुअल में कॉस्ट आनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट इस प्रोडक्ट को बनाने की इतनी है। फिर हम देखें हमने जो एक्चुअल में फिर प्रोडक्शन किया उसमें जो कॉस्ट आई वो कहलाती है एक्चुअल कॉस्ट। उसके बाद हम दोनों स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट के साथ, फिर जो अंतर आया जो वेरिएंसेस आए उसको हम एनालाइज करेंगे, उसमें क्या वो फेवरेबल है वो एडवर्स है उनके रीज़न क्या है, और फिर हम उसको कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे। तो ये सब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, ये नोट कर लीजिए आप।
नेक्स्ट हमारा है बजटरी कंट्रोल या बस्टिंग। कॉस्टिंग में हम लोग जब प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्शन, तो हम उसके लिए पहले से बजट बनाते हैं। ये बजट मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। तो जो हम बजट बनाते हैं, जिस टाइम पीरियड के लिए हमने बजट बनाया कि कोई भी हमको प्रोडक्शन करना है, तो उस प्रोडक्शन में लगने वाली जो कॉस्ट है उसके लिए उसमें क्या क्या कॉस्ट लगेगी, मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, कितना एक्सपेंसेस लगेगी उसमें, ठीक है। जो भी हमारे ओवरऑल खर्चे हैं, हर चीज़ को देखते हुए हमको बजट बनाना होता है। या फिर ठीक है, ये तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हुआ। नेक्स्ट, हमको सबसे पहले कोई प्रोडक्ट हमको सेल करना है, तो हम मार्केट में हमने सर्वे करवाया कि हमारा प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, वो मार्केट में उसकी क्या डिमांड है, ठीक है, वो हमारा प्रोडक्ट कितना बिक सकता है। सर्वे से हमें पता लगा कि हम एक्सपेक्टेड सेल जो कर सकते हैं, हमारा एनुअल सेल्स जो टर्नओवर होने वाला है वो इतना होगा, ठीक है। तो सेल जब सेल्स का बजट बनाया हमने कि इतना यूनिट हम मार्केट में सेल करेंगे, उसके बाद हमको वो सेल को जो माल हम बेचना चाहते हैं उस गुड्स को हमको बनाना होगा। तो बनाने के लिए हम फिर नेक्स्ट बजट बनाएंगे अपना प्रोडक्शन बजट कि हमें उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है। प्रोडक्शन बजट बनाएंगे कि हमारा ओपनिंग स्टॉक तो इतना था, जो जो मटेरियल हमने पहले से हमारा फिनिश्ड गुड्स बना के रखा हुआ है, ठीक है, इतना स्टॉक था और इतना स्टॉक हमको बनाना है जो हमारा डिमांड है मार्केट में, ठीक है, जो हमको प्रोड्यूस करना है। और नेक्स्ट है कि हम एक फिक्स क्वांटिटी रख लेते हैं कि इतना क्लोजिंग स्टॉक हमें रखना है। कैसे कि हमें सपोज हम टीवी मैन्युफैक्चरर है, हमने डिसाइड किया कि हमारे मार्केट में 1000 यूनिट्स नेक्स्ट क्वार्टर में सेल होगी, ठीक है। और हमें जो अनसर्टेनिटी के लिए हमें क्लोजिंग और भी सेल हो सकती है, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक हमने डिसाइड किया 100 यूनिट हमें रखनी है, ठीक है। ये तो हमारा सेल का होगा, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जो हमें रखना है। तो हमें कितनी यूनिट बनानी होगी, 1100 यूनिट। पर हमने देखा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जो इस क्वार्टर का पहले से ओपनिंग डे वन पे हमारे पास पहले से ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। सपोज 200 यूनिट का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, 1000 यूनिट तो हमारी डिमांड है जो हमको सेल करनी है, और ये क्लोजिंग स्टॉक है जो हमें रिक्वायर्ड है। क्लोजिंग स्टॉक हमें जो रिक्वायर्ड है कि 1000 यूनिट सेल करेंगे और 100 यूनिट हमें स्टॉक में रखनी है, तो हमारे को कितना यूनिट की रिक्वायरमेंट है, 1100 यूनिट। और उसमें से ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 200 यूनिट टीवी की पहले से बनी हुई है, तो हमें कितना प्रोडक्शन करना होगा, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस 900 यूनिट्स। तो ऐसे हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं। फिर प्रोडक्शन हमने 900 यूनिट हमें बनानी है, उसको बनाने के लिए जो मटेरियल लगने वाला है, जो हमें मटेरियल लगने वाला है, तो
वो हमें परचेज़ करना पड़ेगा। तो फिर रॉ मटेरियल का जो परचेज़ बजट बनेगा, तो परचेज़ बजट भी ऐसे ही होगा, उस 900 यूनिट्स हमें जो प्रोड्यूस करनी है उसमें सपोज़ 1 यूनिट को बनाने के लिए हमें 2 यूनिट लगती है रॉ मटेरियल की, तो 900 में यूनिट्स हमें किसकी चाहिए? रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्शन करने के लिए हमें चाहिए, जो 900 यूनिट हमें प्रोड्यूस करनी है। अब उसमें हम देखेंगे हमें क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना रखना है। सपोज़ क्लोजिंग स्टॉक हमें रखना है 200 यूनिट्स हमारी रॉ मटेरियल जो भी लग रहा है उसका, तो हमें कितना परचेज करना होगा रॉ मटेरियल? 2000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक में। ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास 500 यूनिट्स फॉर एग्जांपल अवेलेबल है, तो 1800 यूनिट हमें डिमांड है प्रोडक्शन करने की, 900 यूनिट पे हर यूनिट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की 2 क्वांटिटी चाहिए, तो टोटल रॉ मटेरियल हमें चाहिए 1800 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट्स का रखना है तो वो हुआ 2000 यूनिट्स, और ओपनिंग स्टॉक उसमें अपने पास 500 यूनिट्स पड़ा है उसको लेस कर देंगे, तो हमारे को कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये हमारा जो यूनिट्स हमें परचेज करनी है वो है 1500 यूनिट्स, ऐसे ही परचेज बजट बन जाता है। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बजटरी कंट्रोल में। ठीक है, जो भी हमें प्रोडक्शन करना है उसके लिए हम पहले से बजट बनाते हैं ताकि हम उस चीज़ को टाइमली मंगवा सके, टाइमली प्रोडक्शन कर सके, हमारी डिमांड फुलफिल हो सके। तो जितने भी बजट्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे प्रिपेयर करना है वो हम सीखेंगे बजटरी कंट्रोल में। ठीक है, तो इसके क्या पॉइंट्स हो गए? हमारे जो भी बजट्स है हमको उनको प्री एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, पहले से हमको बजट करते हैं हम तैयार। ये जो बजट हम बनाते हैं तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसी को ध्यान में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए हम बजट को तैयार करते हैं। ठीक है, तो हमने प्री एस्टेब्लिशमेंट बजट किया, हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग करा, तो बजट का जो एस्टिमेशन किया हमने सबसे पहले बजट को एस्टिमेट किया, फिर उसका कंपैरिजन करेंगे हम अपन। कंपैरिजन विद एक्चुअल्स, ये तो हमने बजट तैयार किया जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने अभी देखा था, वैसे यहाँ पर हमने जो बजट तैयार किया और एक्चुअल में ये हमने जो प्लान किया था और ये एक्चुअल में हैपन हुआ है। एक्चुअल में क्या हैपन हुआ है? बजट ये हमने प्लान किया था और एक्चुअल में जो हमने प्रोडक्शन किया उसकी क्या कॉस्ट आई, ठीक है, इसका हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे? कंपैरिजन कंटिन्यूअस बेसिस में होता है। कंपैरिजन कंटिन्यूअस बेसिस में होता रहता है, ये रेगुलर प्रोसेस होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बजट बनाना, फिर उनको एक्चुअल में कंपेयर करना, ताकि और हम ये कंपैरिजन क्या करते हैं, हमारे जो टारगेट्स है जो हमने टारगेट ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी को देखते हुए उसने सेट किए हैं
उनको अचीव कर सके। ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल में हम क्या देखेंगे, हम पहले बजट्स बनाएंगे, उनको एस्टिमेट करेंगे, फिर जो हमारा एक्चुअल डेटा है, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है, उससे कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन क्यों करेंगे, ताकि हम जो भी डिफरेंसेस है उनको दूर करके हमारे टारगेट को अचीव कर सके। ये सब हम पढ़ेंगे बजटरी कंट्रोल में। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। जब हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एंटरप्राइजेस जो है, तो वो जब सेम मैनेजमेंट में काम करते हैं, सेम पॉलिसीज में जब वो फॉलो करते हैं, कॉस्टिंग के जो सेम मेथड्स और टेक्निक्स वो एक इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं, मैनेजमेंट सेम होता है पर जो, और पॉलिसीज वो जो सेम फॉलो करते हैं पर वो कौन करते हैं, बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एक सेम इंडस्ट्री में सेम कॉस्टिंग जो मेथड, कॉस्टिंग मेथड टेक्निक्स फॉलो करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। मतलब सेम मेथड एंड कॉस्टिंग प्रोसीजर्स है ना, अंडर सेम मैनेजमेंट बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, यूज़ या अप्लाई, यूजेज या एप्लीकेशन ऑफ यूजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, इंडस्ट्री तो सेम, इंडस्ट्री सेम होगी, मैनेजमेंट सेम होगा, या हम एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेज हो जाता है, बहुत सारे एंटरप्राइजेज फर्म्स मिलके एसोसिएट हो जाती है और वो डिसाइड करती है हम एक तरह के कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। इसका ये रीज़न रहता है ताकि वो इंडस्ट्री में कंपेयर कर सके एक दूसरे की परफॉर्मेंस को। तो ये किस में हम पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में जो ये एप्लीकेशंस ऑफ सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं अंडर अंडर सेम मैनेजमेंट, या यहां पर एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस। वो लोग एसोसिएट हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ताकि जो कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स है वो वेरी नहीं करे, ताकि वो एक दूसरे से इंडस्ट्री में कंपैरिजन कर सके अपने आउटकम्स है, जो उनकी ग्रोथ है उसको अच्छे से। इससे क्या होता है, जो भी ये कंसर्न्स है, ठीक है, जो ये एंटरप्राइजेस है वो अपने स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ कंसर्न्स, वो अपनी अपनी कमजोरी का और अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ का पता लगा सके। अगर वो अलग अलग डिफरेंट अलग अलग कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स है, मेथड्स है, टेक्निक्स है यूज़ करेंगे तो सबका अलग रिजल्ट आएगा, अलग तरीके से वो अपने फाइनेंशियल सॉरी कॉस्टिंग डेटा तैयार करेंगे, तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो कंपैरिजन करना इजी हो ताकि वो अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को पता लगा सके। तो अलग डिफरेंट तो ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट और फर्म का एसोसिएशन सेम है और सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल है, ये पढ़ा, इस ये क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। नेक्स्ट हम हमारे टॉपिक जो सिलेबस में है वो हम टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग में हम डिपार्टमेंट वाइज कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू, डिपार्टमेंट थ्री। हमारा हमारी जो प्रोडक्शन होता है उसको करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, तो उनको अलग अलग उनका डेटा हम तैयार करते हैं, किसमें, डिपार्टमेंट कॉस्टिंग में। तो इसमें इसमें जो कॉस्ट हम निकालते हैं, कॉस्ट हम जो निकालते हैं हर डिपार्टमेंट की, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी डिपार्टमेंट है उसकी हर डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है हम सेपरेटली निकालते हैं। हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को क्या करते हैं, हम सेपरेटली निकालते हैं। ये किस में करते हैं, हम डिपार्टमेंट कॉस्टिंग में। डिपार्टमेंट कॉस्टिंग में क्या है, डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू, डिपार्टमेंट थ्री, ऐसे सपोज हम थ्री डिपार्टमेंट हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बना रखे हैं, ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट में एज ए होल कॉस्टिंग ना निकाल के हम अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कॉस्टिंग निकालते हैं। तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ आउटपुट इस डिपार्टमेंट की है, हमारा कोई स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड का जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसकी जो स्टैंडर्ड की कॉस्ट है तो उसको उसका जो आउटपुट है उसकी हम कॉस्ट कैसे जो अडॉप्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ जो स्टैंडर्डाइज्ड हमारा प्रोडक्ट है जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको जो बनाने की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ आउटपुट। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट को हर डिपार्टमेंट के लिए हम सेपरेटली कॉस्ट कंसीडर करते हैं। ये क्या होता है, ये डिपार्टमेंट कॉस्टिंग होता है। जैसे अभी अपन ने इससे पहले पढ़ा था यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में कॉस्टिंग के मेथड्स हम जो टेक्निक्स है वो सेम रखते हैं, जो प्रिंसिपल्स है उसको हम सेम रखते हैं। और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कॉस्टिंग में हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ है वो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन की प्रोसेस है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में हमने बांट दिया। उस डिपार्टमेंट की जितनी भी कॉस्ट है ताकि उसको हम सेपरेटली कंसीडर करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को
परफॉर्मेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिपार्टमेंट और मैनेजर हम डिसाइड कर सके, उनको रेस्पॉन्सिबल कर सके कि आपके डिपार्टमेंट में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, या आप कॉस्ट को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या आपके डिपार्टमेंट से इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आपका कितना है, ताकि हम एक हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट उस परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को परचेज करता है, रॉ मटेरियल को परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को परचेज करता है, फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करता है, वो अपना एक सर्टेन प्रॉफिट परसेंटेज उसमें ऐड करता है, ताकि उस प्रोडक्शन जो उस मैनेजर की परफॉर्मेंस को पता कर सके, उस डिपार्टमेंट में जो प्रॉफिट है डिपार्टमेंटल वाइज प्रॉफिट को हम पता कर सके। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी कॉस्ट लगाता है, अपना प्रॉफिट मार्कअप ऐड करके इसको आगे सेल डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करता है। सेल डिपार्टमेंट अपनी कॉस्ट प्लस अपना प्रॉफिट जोड़ के ये आगे सेल करता है। तो इन सब में जो इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट है, उन सबको एज ए होल कंपनी में परफॉर्मेंस के लिए देखा जाता है, उन सब की टोटल उस ऑर्गेनाइजेशन की टोटल कहलाती है। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग के बाद एक टॉपिक है हमारा नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, हमने फिनेंशियल अकाउंटिंग जैसे पढ़ी, फिनेंशियल अकाउंटिंग हम जो हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमारा कंपनी के P&L ट्रेडिंग अकाउंट ये सब जो हम बनाते हैं, फिनेंशियल की जो अकाउंटिंग करते हैं, और हम कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट से रिलेटेड डेटा जो है हमारा कॉस्टिंग में प्रोडक्शन में उसकी अकाउंटिंग करते हैं। तो जब दो हम कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए दोनों को अलग अलग ना करके जब एक साथ उनकी एंट्री करते हैं, हम उन ट्रांजेक्शन को लिए एक ही मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इंटीग्रल। जब कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल डेटा दोनों को एक साथ हम अकाउंटिंग करते हैं, उस मेथड जब फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। तो अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन दोनों को इंटीग्रेट करना। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, जो अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है वो कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों को इंटीग्रेट करके कर रहा है। व्हेन अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड, अकाउंटिंग अकाउंट्स जो हम मेंटेन कर रहे हैं वो कॉस्ट और फाइनेंशियल का दोनों को एक साथ कर रहे हैं। कॉस्टिंग और फाइनेंशियल डेटा का दोनों को अकाउंट जो हम मेंटेन कर रहे हैं वो कंबाइंडली मेंटेन कर रहे हैं।
तो ये क्या कहलाता है, इंटीग्रल या इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, इंटीग्रल और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। इसका अपोजिट, जब हम कॉस्टिंग के लिए हमारे अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, दोनों को कंबाइंड नहीं करते हैं, तो जब दोनों के लिए अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती है कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो किस में आता है, नॉन इंटीग्रल। एज नेम सजेस्ट, जो इंटीग्रेटेड नहीं है, जहाँ पर कॉस्टिंग एंड फिनेंशियल को इंटीग्रेटेड एक साथ डेटा मेंटेन अकाउंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो उनका जब सेपरेट अकाउंट मेंटेन होगा, यहाँ पर तो अकाउंट मेंटेन हो रहा है दोनों का एक साथ, और जब सेपरेट अकाउंट मेंटेन होता है, अकाउंट इज मेंटेन, कैसे मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंट इज मेंटेन सेपरेटली, उस अकाउंटिंग सिस्टम को हम क्या किस में पढ़ते हैं, नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में। ठीक है, मतलब इंटीग्रल में तो कॉस्टिंग और फिनेंशियल के लिए जो सेट ऑफ अकाउंटिंग बुक्स है हमारा, जो सेट ऑफ अकाउंटिंग बुक्स है वो सेम रखेंगे, ले एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे हम, उसमें कॉस्टिंग का डेटा और फिनेंशियल अकाउंटिंग दोनों करेंगे, और नॉन इंटीग्रेटेड में हम क्या करेंगे, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में हम बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट सेट करेंगे मेंटेन, एक तो किसके लिए, कॉस्ट के लिए, और एक किसके लिए, फिनेंशियल डेटा के लिए। यहां तक आया समझ में, जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें दो तरह का मेथड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होता है, एक तो इंटीग्रेटेड, एक नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड या इंटीग्रल भी बोलते हैं इसको, ये शामिल में कॉस्टिंग डेटा और फिनेंशियल अकाउंट में डेटा दोनों की एंट्री हम एक ही बुक्स मेंटेन करते हैं, ठीक है, और इसमें नॉन इंटीग्रेटेड में हम जो बुक्स मेंटेन करते हैं वो क्या करते हैं, वो अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं। मतलब जो कॉस्ट लेजर है हमारे, जो हमारे लागत खाते हैं, हमारे जो कॉस्ट लेजर है वो फाइनेंशियल लेजर से डिफरेंट होते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे
एबीसी कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग इस ये है एक्टिविटी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम हमारा जो कॉस्ट का डेटा है उसको एक कॉस्ट सेंटर पे आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब हम जो भी कॉस्टिंग करेंगे, जो हमारा कॉस्ट डेटा है उसको एक्टिविटी बेस्ड में क्लासिफाई करेंगे कि हमारा जो बिजनेस है उसमें हम क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। उस एक्टिविटी से रिलेटेड डेटा तो जो डायरेक्टली रिलेटेड है वो उस एक्टिविटी से चार्ज होगा, और जो कुछ खर्चे जनरली रिलेटेड है वो एक्टिविटी, सपोज हम एक्टिविटी वन, एक्टिविटी टू, एक्टिविटी थ्री, थ्री एक्टिविटीज़ हम हमारे कंपनी में करते हैं, प्रोडक्शन में करते हैं। एक्टिविटी वन, एक्टिविटी टू, एक्टिविटी थ्री, हमने कुछ मटेरियल इंट्रोड्यूस करा, मटेरियल एक्स एक्टिविटी वन में लगता है, मटेरियल एक्स एंड वाई एक्टिविटी टू में लगते हैं, मटेरियल वाई एक्टिविटी थ्री में लगता है। तो ये इसकी जो कॉस्ट है वो हम डायरेक्टली इससे चार्ज करेंगे, इसकी जो यूनिट है और इसकी यूनिट है ये डायरेक्टली एक्टिविटी टू से चार्ज होगी, और वाई की यूनिट एक्टिविटी थ्री से चार्ज होगी। और जो जनरल एक्सपेंसेस है, सपोज इस फैक्ट्री का, जो इस फैक्ट्री में हम तीन, हमारी प्रोडक्शन यूनिट है, तीन तरह के हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनमें जो जनरल एक्सपेंस है उस फैक्ट्री का, सपोज रेंट है, ठीक है, कॉमन रेंट है, कॉमन लाइट है, ठीक है, जो जनरल एक्सपेंसेस है, जो जो ये तीनों के लिए लग रहा है, तो फिर हम इनको प्रोपोर्शनेट कर देंगे इनके प्रोडक्शन में या जो भी हमारा क्राइटेरिया है। तो जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जाती है वो क्या कहलाती है, हमारी एबीसी कॉस्टिंग। इसमें हम जो ओवरहेड है और इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विस से हम डायरेक्टली उसको असाइन करते हैं। तो ये क्या मेथड हो गया, इस मेथड में हम कॉस्ट को असाइन करेंगे, जो हमने कॉस्ट हम प्रोडक्ट को बना प्रोड्यूस करने में या सर्विस को प्रोवाइड करवाने के लिए जो कॉस्ट है अंडर एबीसी में मेथड में, उस कॉस्ट को हम असाइन जो करेंगे जो हमारे खर्चे हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन और प्रोसेस है, तो उसको हम एबीसी कॉस्टिंग में डायरेक्ट करेंगे। मतलब जो खर्चे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो हम उस प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है उनको एज ए होल ना लेके डायरेक्ट उस रिलेट और सर्विस से प्रोडक्शन प्रोसेस, जो हमारा गुड्स और सर्विस है जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड लेंगे, वो किस में हम पढ़ेंगे, एबीसी कॉस्टिंग में। हमारे सिलेबस में फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे
ट्रांसफ़र प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, जब हम डिपार्टमेंट वाइज हमारा प्रोडक्शन करते हैं तो एक डिपार्टमेंट को उस एक डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट दूसरे डिपार्टमेंट में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वो जो उस डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी, उस डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्शन है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको मेज़र किया जाता है। तो वो किस कॉस्ट में सामने वाले डिपार्टमेंट में अपना प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करेगा, वो क्या कहलाती है, ट्रांसफ़र प्राइस। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग में हम क्या पढ़ेंगे, जो प्राइस है जो प्राइस वन डिवीजन चार्जेस फ्रॉम ट्रांसफ़र प्राइसिंग, वो प्राइस कहलाती है जो वन डिवीज़न चार्जेस फ्रॉम अनदर डिवीज़न। एक हमारी कंपनी है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमने डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट थ्रू एंड ये डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। अब इस डिपार्टमेंट में ने जो अपना प्रोसेस करी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसने जो उसमें कॉस्ट लगाई प्लस वो अपना जो प्रॉफिट जो भी परसेंट है वो ऐड करके उसको कितने रुपए में ट्रांसफ़र करता है इस डिपार्टमेंट को, वो इस डिपार्टमेंट के लिए क्या आ जाएगी, ट्रांसफ़र प्राइस। ये किस प्राइस में इस डिपार्टमेंट को वो ट्रांसफ़र करता है। अब सपोज़ इसने कॉस्ट लगाई 100 रुपीज़, प्रॉफिट चार्ज किया 10 रुपये, इस डिपार्टमेंट के लिए इनकमिंग कॉस्ट उस इस डिपार्टमेंट से कितनी आई, 110। फिर इसने उसमें अपना कॉस्ट लगाया, डिपार्टमेंट टू ने जो भी प्रोसेस करी उसकी कॉस्ट प्राइस आई 100 रुपीज़, और इसने अपना प्रॉफिट ऐड किया जो ये डिपार्टमेंट चार्ज करना चाहता है अपनी प्रोसेस के लिए, वो करा 20 रुपीज़। ये 230 में इस डिपार्टमेंट को जो अपना प्रोडक्शन है जिस प्रोसेस तक वो तैयार हुआ है वो ट्रांसफ़र करेगा। ऐसे ये डिपार्टमेंट अपनी कॉस्ट ऐड करेगा, अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, और वो जो ट्रांसफ़र जिस प्राइस में नेक्स्ट डिपार्टमेंट को करेगा वो कहलाती है ट्रांसफ़र प्राइस। ये अलग अलग प्रॉफिट एक ही कंपनी में इंटर डिपार्टमेंट में चार्ज करते हैं ताकि ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड कर सके, मैनेजर्स अपना रेमुनरेशन। जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो अपना रेमुनरेशन डिसाइड कर सके, उस डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड कर सके, उसकी परफॉर्मेंस मेज़र कर सके। इसलिए ये डिपार्टमेंट वाइज अपनी प्राइस चार्ज करते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र प्राइसिंग में। इन सब डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट 1, 2, 3, 4, ये जो इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं, ये इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट अपनी अपनी परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हैं। एक्चुअल में जो डिपार्टमेंट प्रॉफिट जो कंपनी चार्ज करेगी वो उस प्रोडक्ट को जो मार्केट में सेल करेगी और जो वो कस्टमर से चार्ज करेगी प्रॉफिट, वो एज ए होल इस डिपार्टमेंट का, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का एज ए होल प्रॉफिट आएगा।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी होल लाइफ, मतलब उसका जो पीरियड है, उस पीरियड में लगने वाली सारी कॉस्ट, उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हम पढ़ेंगे। मतलब लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट, उस आइटम की हम जो टोटल कॉस्ट है उसके उसके लाइफ टाइम में, उसका सपोज 2 इयर्स का ड्यूरेशन है उसकी प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्ट को की जो लाइफ में लगने वाली पूरी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम, ये क्या कहलाती है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हम इसको पढ़ते हैं। मतलब जो जो भी हमारा प्रोडक्ट है और सर्विस हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो भी लाइफ स्पैन है, उसमें कंपनी ने प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन ने जो उसका है उसमें जो कंपनी ने टोटल कॉस्ट जो वो इनकर्ड करेगी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए और उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हम किस में पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में। जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, सपोज उस प्रोजेक्ट को बनने के लिए, कंप्लीट होने के लिए 2 इयर्स लगते हैं, तो उस 2 इयर्स जो प्रोजेक्ट में हमारे लग रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने जितने भी एक्सपेंसेस करे हैं वो किस में कंसिडर होंगे उसकी लाइफ टाइम के में टोटल कॉस्ट, ये हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में। तो उस प्रोजेक्ट में जो हमने एक्सपेंस किए हैं, चाहे वो रिकरिंग नेचर के हो, वो एक्सपेंसेस चाहे रिकरिंग नेचर के हो चाहे नॉन रिकरिंग नेचर के हो, ठीक है। रिकरिंग नेचर मतलब जो एक्सपेंस बार बार होता है, और नॉन रिकरिंग नेचर जो एक्सपेंस अपन वन टाइम करते हैं। सपोज अपन रिसर्च करते हैं, जो R&D में अपन ने खर्च किया, या कोई एडवर्टीजमेंट अपन ने लाइफ में एक बार किया, उसके प्रमोशन में स्टार्टिंग में वन टाइम ही कर रहे हैं कोई भी खर्चा, ठीक है। या अपन ने कोई लाइसेंस लिया, या कोई पेटेंट या कॉपीराइट में अपन ने कुछ खर्च किया जो वन टाइम है, मतलब वो बार बार नहीं होता, ठीक है। रिकरिंग नेचर अपन सैलरी दे रहे हैं, लाइट का बिल भर रहे हैं, ठीक है, रेंट दे रहे हैं, जो एक्सपेंस हम बार बार करते हैं अपने लाइफ में, जो हमेशा होते रहते हैं वो होते हैं रिकरिंग, और जो लाइफ में वन टाइम करेंगे उन प्रोडक्शन और प्रोसेस में वो होते हैं नॉन रिकरिंग। तो दोनों तरह के एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, इसमें कंसिडर करते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आज की क्लास में आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।